बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो मैंने एक साइकिल क्रिएट करी, मैंने कहा कि प्रोसेस 1 to 2 आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है और प्रोसेस 2 to 1 एक आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये मैंने कोई भी रेंडम प्रोसेस मान लिए हैं, ठीक है, 1 to 2 रिवर्सिबल एंड 2 to 1 इरिवर्सिबल। अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डू क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो इसको क्लॉसियस इनइक्वालिटी को इस साइक्लिक प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन फॉर द प्रोसेस 1 to 2 डू क्यू बाई टी प्लस इंटीग्रेशन डू क्यू बाई टी फॉर द प्रोसेस 2 to 1, ठीक है। पहले 1 to 2 रिवर्सिबल है आपका और ये है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डू क्यू बाई टी होता है डेल्टा एस, ठीक है, चेंज इन द एंट्रोपी प्लस इंटीग्रेशन 2 to 1 डू क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रेशन 2 to 1 डू क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा एस, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला डेराइव होके आ गया है, ठीक है। ये है आपका चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने एंट्रोपी के लिए अभी तक हमने पढ़ी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। सबसे पहले क्लॉसियस इनइक्वालिटी ने कहा कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2q बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। इसको हमने और अच्छे से स्टडी करा तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2q बाई टी इज लेस देन जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2q बाई टी इज इक्वल्स टू जीरो और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2q बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो, तीन केस बनाए, ठीक है। लेस देन जीरो होगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इक्वल्स टू जीरो होगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 2q बाई टी आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ये आपका इम्पॉसिबल प्रोसेस होता है, इम्पॉसिबल प्रोसेस, क्योंकि ये इट वायलेट्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ये खिलाफ है, ठीक है। अभी तक हमने क्लॉसियस इनइक्वालिटी देखी, फिर हमने देखा कि जो आपका डू क्यू बाई टी है ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है सिस्टम की। ये क्या कर रहा है, ये इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड कर रहा है डू क्यू बाई टी, ठीक है। तो इसी डू क्यू बाई टी क्वांटिटी को हमने चेंज इन एंट्रोपी का नाम दे दिया डेल डी एस, ठीक है। सो डेल एस क्या बन गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डू क्यू बाई टी फॉर द प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला आपका डेराइव हुआ, ठीक है। ये था आपका फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने डेराइव कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डू क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू डी एस, चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डू क्यू बाई टी फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ से एक नोट निकल के आता है, नोट है कि चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल्स टू होगी आपकी डी क्यू बाई टी के फॉर द प्रोसेस 1 to 2 अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस 1 to 2 अगर 1 to 2 आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है डू क्यू बाई टी तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। सो चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन होगी डू क्यू बाई टी के इरिवर्सिबल प्रोसेस में। सो चेंज इन एंट्रोपी अगर लेस देन है डू क्यू बाई टी के 1 to 2 तो ये अगेन आपका बन गया इम्पॉसिबल प्रोसेस, ठीक है। आपकी जो चेंज इन एंट्रोपी है ये नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट ये कभी भी आपकी लेस देन नहीं होगी डू क्यू बाई टी से। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये सब मैंने एक बार समराइज इसलिए करा है क्योंकि जो थर्मोडाइनमिक्स है इसमें जो एंट्रोपी है,
एंट्रोपी अकेले ही 1/3 वेटेज रखती है थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपका स्टडी ऑफ 3 E's है। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पेज में आपको यही मिलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ 3 E's, एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम एंड एंट्रोपी, ठीक है। तो ये एंट्रोपी अकेले ही बहुत वेटेज रखती है थर्मोडायनेमिक्स में। सो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक ब्रीफ समराइज करा मैंने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।